अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको आराम नहीं मिलता है। और जब वो यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे महाराज जी से मिलने के बाद उसकी अर्जी यहाँ पे सुनी जाती है, तो लगभग 15 से 20 मिनट में मरीज को तुरंत यहाँ पे आराम मिलता है। तो हम यहाँ पे और ठीक होकर भी जा रहे हैं, और यहाँ पर हनुमान जी और माँ अंजनी माता का भी यहाँ पे चमत्कार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो गंभीर से गंभीर बीमारियाँ हैं यहाँ पे वो ठीक हो रही हैं। और लड़का है तो मतलब उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम मतलब मुँह में कैंसर टाइप में है, तो मतलब अभी आराम मिला है। तो अभी आज हम लोगों ने यहाँ स्थापना भी की है। अच्छा, आप लोगों ने स्थापना, आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा लोगों को? मिल लिया है, आराम मिल रहा है। 10-20 मिनट में आदमी लोगों को यहाँ पे आराम मिलता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है, आप देख रही हैं? हाँ देख रहे हैं जी, आराम मिल रहा है जी, बहुत मिल रहा है जी, आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो उन्होंने बोला था कीमो वगैरह का, लेकिन हमने जब इस धाम के बारे में सुना है तब हमने ऐसी आस्था लगी और लोगों को यहाँ पे आराम भी मिल रहा है। तो ये 30 पीस है, अभी तो 30 पीस वहाँ शिविर रख रहे हैं, निःशुल्क, बिल्कुल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई दवा की फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री रख रहे हैं। 15-16-17 होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हवन भी और होता है। और यहाँ पे जो अपने ललितपुर के ही बताए जा रहे हैं, तो उनको तो इस तरह इस तरीके से उनको आराम मिला है कि और इतनी श्रद्धा उनमें देखने को मिल रही है कि उन्होंने यहाँ पे हवन भी करवाया और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना भी यहाँ पे करवाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्वागत है आपका। और आज हम फिर पहुंच चुके हैं गांव रजवाड़ा, माँ अंजनी लालधाम आश्रम, जो कि गांव रजवाड़ा स्थित है और लगभग यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर के लगभग दूरी यहां पे पड़ती है। और जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहां पे जो लोग हैं आ रहे हैं यहां पे, और असाध्य रोगों का यहां पे इलाज हो रहा है, लोग आ रहे हैं और ठीक होकर भी जा रहे हैं। और यहाँ पर हनुमान जी और माँ अंजनी माता का भी यहाँ पे चमत्कार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो गंभीर से गंभीर बीमारियाँ हैं यहाँ पे वो ठीक हो रही हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ठीक होकर भी जा रहे हैं। और जैसे कि ये लोग जो यहाँ पे लोग आते हैं वो खुद यहाँ अपनी खुद जुबानी बताते हैं कि वो कैसे किन किन बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ठीक होकर भी जाते हैं, जो कि अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको आराम नहीं मिलता है। और जब वो यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे महाराज जी से मिलने के बाद उसकी अर्जी यहाँ पे सुनी जाती है, तो लगभग 15-20 मिनट में मरीज को तुरंत यहाँ पे आराम मिलता है। तो हम यहाँ पे लोगों की खुद जुबानी जानेंगे कि आखिर उनका और क्या कुछ यहाँ पे कहना है, कितनी बार आए हैं, क्या समस्या यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? सर जितेंद्र। आप कहाँ से आए? ललितपुर से। पहली बार आए, दूसरी बार? नहीं, हम 4-5 बार। 4-5 बार आ चुकी है ललितपुर से। मैन ललितपुर में कहाँ पे रहते हैं? ललितपुर में आजादपुरा में रहते हैं। आजादपुरा में क्या समस्या क्या है? हमारे जो भुआ के लड़का है तो मतलब उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम मतलब मुंह में कैंसर टाइप में है, तो मतलब अभी आराम मिला है। अभी आज हम लोगों ने यहाँ स्थापना भी की है। अच्छा, आप लोगों ने स्थापना करवाई है? जी जी। क्या बात है। तो आपको पहली बार में आराम मिला था, दूसरी बार में मिला? हाँ, दूसरी बार में आए तो आराम मिला है। अच्छा, दूसरी बार में, आज आपका चौथा धाम है, तो कितना परसेंट आराम है? मतलब कम से कम 50% 50% आराम है। अच्छा, हॉस्पिटल में इलाज कराया था आपने? जी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। तो वहाँ मतलब इससे पहले जो आपने हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, कितने समय से इलाज चल रहा था वहाँ पे? समय मतलब लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल, तो इतना आराम हॉस्पिटल में देखने को नहीं? यहाँ आए तो यहाँ से आराम है। तो देखिए, ये भाई साहब खुद बता रहे हैं, नाम क्या बताया आपने? जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर नाम है इनका, ये ललितपुर आजादपुरा में रहते हैं। ये बता रहे हैं कि इनका 1 साल से अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ पे उनको इतना आराम देखने को नहीं मिला है, जो कि यहाँ पे ये पहली बार और दूसरी बार है, तो इनको दूसरी बार में ही काफ़ी आराम देखने को मिल रहा है। आज इनका चौथा धाम है, और चौथा धाम में जो कि कैंसर की जो समस्या बताई जा रही है कि कैंसर ही था, और यहाँ पे आज चौथा धाम था, इनको चौथा धाम में ही इनको 50% यहाँ पे आराम देखने को मिला है। साथ ही यहाँ की श्रद्धा से ये इतने खुश हुए कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने जो शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना करवाई है, यहाँ पे हवन भी करवाया है, हवन भी करवाया है। इन्होंने हवन भी यहाँ पे करवाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुद, अब हम बाहर की बात नहीं कर रहे, हम अपने जनपद की अगर हम बात कर रहे हैं, ललितपुर जनपद के लोग भी खुद यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, और अब अपनी और उनकी यहाँ पे अर्जी सुनी जा रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 साल से इनका इलाज चल रहा था, इनको आराम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे चौथा धाम करने पर ही इनको काफ़ी आराम देखने को मिला है। और ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे 50% यहाँ पे आराम
इनको मिला हुआ है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। तो क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र। कहाँ से आए आप? रजवाड़ा से हैं जी। रजवाड़ा। मरीज को लेके आए? मरीज अंदर हैं जी। क्या समस्या है मरीज को? कैंसर। पहली बार आए दूसरी बार? पहली बार आए हो। तो अभी अर्जी अभी नंबर लगा नहीं लगा? अभी नहीं लगा। लोगों को आते जाते देख रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अपने जनपद से भी आ रहे हैं और अलग जिले से भी आ रहे हैं। तो क्या लोगों को देखकर आपको लग रहा है, लोग आपके सामने गए भी होंगे, आए भी होंगे, गए भी होंगे, तो क्या देखकर लग रहा है उनको? आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा लोगों को? मिल रहा है। तो जैसे कि ये भी बता रहे हैं कि आराम, ये भी देख रहे हैं कि उनको आराम मिल रहा है, ये उनको देखने को मिल रहा है। दादा क्या नाम है आपका? नाम। आप कहाँ से हो? हम तो गुड़र। डूड़ा? गुड़र। ये कहाँ पड़ता? जे सीपरी जिला में पड़ता है। सीपरी जिला में पड़ता है। पहली बार आए दूसरी बार आए? नहीं, हम तो पहली बार नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काम कर रहे हो? काम करते हो आप यहाँ? हाँ, मंदिर का। अच्छा, चलिए ठीक। भैया आप? हम आजादपुरा से। आज आप किसी के साथ में हो? किन के साथ में हो? इन्हीं के साथ में। अच्छा, जो भाई साहब जिन्हें स्थापना यहाँ पे अभी करवाई, हवन यहाँ पे करवाया। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ की हकीकत है और लोग खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं और यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो अपनी समस्या यहाँ पर रखते हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी बीमारियाँ लेकर आ रहे हैं और यहाँ से ठीक होकर भी यहाँ पे जा रहे। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा राम। आप कहाँ से हो? कानपुर से। कानपुर। पहली बार आई दूसरी बार आई? पहली बार आए भैया। पहली बार आई? हाँ। क्या समस्या लेकर आई, किन को लेकर आई? भैया का अपने लड़का के लेके आई। क्या समस्या है बच्चे को? अरे इनके तो लीवर खराब है और वो काका। पहले हॉस्पिटल में इलाज कराया आपने? कराया। कितनी समय से इलाज चल रहा है इनका? इनका 9 महीना हो गए। 9 महीने से आराम नहीं मिल रहा वहाँ से? नहीं भैया। आप यहाँ पे पहली बार आई हैं, लोगों को आप लोगों को आते जाते आप देख रही हैं। हाँ। तो लोग जब महाराज जी के सामने खड़े हो रहे हैं, कैंसर वाले भी आ रहे हैं, लकवा वाले भी आ रहे हैं, पेट की बीमारी वाले भी आ रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट में लोग ले आई थी ना, तो लड़ाई हो गई थी। पहले आई थी यहाँ पे। तो पहले आप? अच्छा, पहले आप महाराज जी से नहीं मिल पाए? नहीं नहीं। तो यहाँ पे लोगों को आप आते जाते देख रही हैं, तो आराम मिल रहा है लोगों को नहीं मिल रहा? हाँ, मिल रहा है। जो यहाँ पे बात कही जाती है कि 15 से 20 मिनट में आदमी लोगों को यहाँ पे आराम मिलता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है, आप देख रही हैं? हाँ देख रहे हैं। आप कहाँ से हो? मम्मी के साथ में। अन्नी के साथ में जी। अच्छा, आप आते जाते देख रहे हैं लोगों को, तो हाँ। महाराज जी के सामने जो खड़े हो रहे हैं, मिल रहा है जी? मिल रहा है जी, बहुत मिल रहा है जी। आराम मिल रहा है? हाँ, आराम मिल रहा है। को भी लाए हैं, पहली बार लाए हैं, तो सुबह से लाइन लगाए हुए, अभी नंबर ही नहीं आया जी। अभी हमारा नंबर नहीं आया, 12 घंटे हो गए। ओके। आप कहाँ से हो? हम बेटा से हैं। कि पहली बार आई दूसरी बार? इन्हें देख भी आए। देखने के लिए आए? ये पहली बार आई दूसरी बार आई? पहली बार आई। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या वैसे समस्या क्या है इनको? कैंसर है। तो लोगों को आप आते जाते देख रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे? मिल रहा है आराम? आप कहाँ से अम्मा? इंदौर। इंदौर। पहली बार आई दूसरी बार? मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ। कितने धाम हो गए आपको? हमारे तो बहुत सारे धाम हो गए हैं, 5-6-7 12-15 धाम। क्या समस्या? कैंसर। कैंसर भैया को आराम मिला नहीं मिला? हाँ मिला ना। कितना परसेंट आराम है? परसेंट तो क्या बताऊँ आपको मैं, लगभग 50%, 30%, 70%? कम है। कितना? 20-30%? 40-40% समझ लो। 40% आराम? हाँ, 40-50% आराम है। अच्छा, पहले कितने समय से इनको कैंसर की शिकायत है? उनको तो अप्रैल से मालूम पड़ी, लेकिन हम यहाँ बाद में आए थे जब मोबाइल से पता चला हमको। जब इनको समस्या कब से है, कितना समय हो गया इनको? अप्रैल से मालूम पड़ा ना हमको, उस अप्रैल से। बच्चे को जो कैंसर? हाँ हाँ। हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया? करा रहे हैं ना इलाज, बम्बई तक ले गए, बड़ौदा ले गए, बम्बई ले गए। जिसके कितने समय से इनका इलाज? जब से मालूम पड़े जब से इलाज चलाया। 5 महीने इलाज तो जब से चल रही है, अप्रैल से। अच्छा, तो मतलब 1 साल होने को जा रही है। तो वहाँ से आराम नहीं मिला आपको? नहीं, आराम तो मिला, जैसे यहाँ से भी मिला हमको आराम, बराबर पे बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा वो। अच्छा,
भैया आप कहाँ से हो? जी ललितपुर गोविंदनगर। पहली बार आए दूसरी बार? हम तो मित्र के साथ आए पहली बार। पहली बार आए जी। आप ललितपुर से कहाँ से हो? आप ललितपुर से? गोविंदनगर लक्ष्मीपुरा। तो आप यहाँ पे पहली बार आए हो, लोगों को आते जाते देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। तो काफी समय भी हो गया होगा, कम से कम एक घंटा तो हो ही गया होगा। जी जी दो डेढ़ घंटे। लोगों को आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है? लोग बता रहे हैं अपने मुंह से कि आराम है उनको क्या? हाँ है आराम है। लोग हाँ, खुद बताते हैं अपने मुंह से? हाँ बता रहे ना है। भैया आप कहाँ से? नहीं ललितपुर से। इनके साथ? हाँ नहीं। तो लोगों को आप एक डेढ़ घंटे से देख रहे हो? लोग जैसे कि आप लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें आराम मिल रहा है 15-20 आराम मिल रहा है। महाराज जी का भी यही कहना होता है आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है 15-20 मिनट लोग अपने मुँह से बताते हैं? हाँ खुद बता रहा हूँ। आप कहाँ से? भैया हम तो महरानी से हैं जी, पैसे से। आप पहली बार आई दूसरी बार आई? तीसरा बार। हाँ कोई नहीं आप जो थोड़ा सा बस दो मिनट का ही आपको ज्यादा परेशान। जी जी भैया आप? हम मेहरौनी से हैं भैया। पहली बार डिस्ट्रिक्ट नहीं, तीसरी पीसी है हमारी जी। क्या समस्या थी मरीज को? अभी हमारे मम्मी जी को कैंसर बता दिया गया था, कैंसर के लिए। तो उन्होंने बोला था कीमो वगैरह का, लेकिन हमने जब इस धाम के बारे में सुना है तब हमने ऐसी आस्था लगी और लोगों को यहाँ पे आराम भी मिल रहा है। तो ये तीसरी पीसी है अभी। तो तीसरी पीसी के बाद गुरु जी बताते हैं कि लगभग 1-2-3 पीसियाँ करनी पड़ती हैं। हाँ। इसके बाद कंटिन्यू जो करते हैं तो 21 पीसी बताई गई है। हॉस्पिटल में इलाज कराया था आपने? हाँ गए थे जांच वाँच में, लोग कीमो का बोला था उन्होंने। हाँ लेकिन उन्होंने गारंटी नहीं ले रहे थे क्योंकि उसकी एज की वजह से भी होता है और ब्लड की वजह से उन्होंने ये रिक्स नहीं ली थी। कितने समय तक इलाज चला इनका हॉस्पिटल? लगभग ये 3 महीने 2-3 महीने का। यहाँ पे आए हुए तीसरा धाम ही हुआ है, यानी हफ्ते में आपको केवल आपको अभी 1.5 हफ्ता? हाँ 1.5 हफ्ता ही जी। तो आराम कितना परसेंट? 50%, 40%, कितना परसेंट? अभी तो ये समझो 25-30% ही है। अच्छा 30%। हाँ, अभी 25-30%। हाँ लगभग यही समझ। मेहरौनी से आए हैं आप? हाँ। कौन से गांव से? मेहरौनी, प्रॉपर मेहरौनी है जी। मेहरौनी। तो ये भाई साहब मेहरौनी से आए हैं, जनपद ललितपुर, प्रॉपर मेहरौनी के निवासी हैं। माता जी हैं आपकी? इनकी माता जी हैं। इनको कैंसर बताया गया है, इन्हें इलाज भी कराया जबकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था और इनको भी थोड़ी संभावना कम लग रही थी। क्योंकि यहाँ पे जब इनको जैसे ही यहाँ माँ अंजनी लाल धाम आश्रम की इनको जानकारी लगी, इनने वीडियो देखी, न्यू खबर देखी इनने, जैसे ही तो यहाँ पे पहुँचे। आज इनका ये तीसरा धाम है तो इनको ये लगभग इनको 25-30% इनको आराम देखने को मिला है और ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी आराम देखने को मिल रहा है और हमें काफ़ी यहाँ से उम्मीद इनको जुड़ चुकी है। यहाँ पे ये लोग यहाँ पे श्रद्धा लेकर आए हैं और यहाँ आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मरीज के परिजन हैं वो खुद कह रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी आराम देखने को मिला है। जो कि डॉक्टर भी इनकी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि ये ठीक हो भी पाएंगी और नहीं भी हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको ये उम्मीद जाग चुकी है और उनको लग रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे इनको काफ़ी आराम देखने के लिए मिला है। तो थोड़ा सा और हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हो? कानपुर से। पहली बार आए दूसरी बार आए? पहली देखो आए। पहली बार आए आप? अकेले आए परिजन? नहीं सब लोग आए साथ में जी। क्या समस्या थी? कैंसर। तो कैंसर? कैंसर भी है, पेट में पथरी भी है। इलाज करवाया था? कराया। कब से इलाज चल रहा है? 8-9 महीने चल रहा है। अच्छा आराम नहीं लगा हुआ। अच्छा लोगों को आप यहाँ पे आते जाते देख रहे हैं, लोगों को लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं कि मिल रहा है। तो देखिए ये भाई साहब कानपुर से आए हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम आज पहली बार आए हैं लेकिन लोगों को हम यहाँ पे आते जाते देख रहे हैं और लोग खुद कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि उनको आराम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। और जो लोग जानना चाहते हैं और जो लोग किसी के मन में कोई सवाल भी होता है, तो अगर किसी के भी मन में अगर कोई भी सवाल होता है यहाँ पे आश्रम को लेकर, तो यहाँ पे आश्रम में एक बार आएं और यहाँ पर आकर देखें और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलें और उनसे भी मिलकर जानकारी यहाँ पे आप करें कि उनको कितना परसेंट यहाँ पे आराम मिल रहा है। जो कि यहाँ पे असाध्य रोगों का यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे असाध्य रोगों का यहाँ पे निदान भी हो रहा है और लोग यहाँ से ठीक होकर भी जा रहे हैं। आपको नए लोग भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जो लगातार जो अपने धाम कर रहे हैं आ रहे हैं तो उनको वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे।
उसने जो ललितपुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो उनके परिजनों को कैंसर बताया गया था, बाद उनको काफ़ी आराम देखने को मिला, जिसके हर्ष के साथ उन्होंने यहाँ पे स्थापना करवाई, साथ ही यहाँ पे हवन भी करवाया। तो थोड़ा सा इस विषय में आप महाराज जी से भी हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्ते महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, हमारे जी यहाँ पे एक मरीज ऐसा भी आया जो ललितपुर के ही लोकल के ही निवासी हैं, आजादपुरा के बताए जा रहे हैं, उनके परिजन को कैंसर था तो काफ़ी आराम देखने को मिला है, हवन भी उन्होंने करवाया, स्थापना उन्होंने करवाई। तो आप क्या कहेंगे? शिव परिवार की उन्हें प्राणप्रतिष्ठा भी करवाई है, कैंसर में उनको आराम लगा है जी। तो उनको आस्था थी ईश्वर पर, तो उन्हें शंकर जी का पूरा परिवार ले आके शिव परिवार का प्राणप्रतिष्ठा आज विधान से पूरी पंडित जी ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें कराई है। बढ़िया, उसमें उनको आस्था भी है और आराम भी है कैंसर में, इसलिए उन्हें कराई। अगर महाराज जी देखा जाए कि ललितपुर के अलावा और कहां कहां से लोग आश्रम पर आते हैं? देखिए 80% तो बाहर का आदमी आता है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुना से आए हैं, उज्जैन से आते हैं, दूर दूर का आदमी आता है, से भक्त आते हैं, उन पर कृपा तुरंत एक ही बार में होती है। जैसे एक बात और सामने आ रही कि आप एक शिविर का भी आयोजन आप करवा रहे हैं। हाँ, 15, 16, 17 में 3 दिन का महाशिविर रख रहे हैं, निःशुल्क, बिल्कुल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई दवा की फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री रख रहे हैं। जी जी जी। 15, 16, 17 फरवरी, जिसमें इनको मतलब क्या क्या जो लोगों को जैसे रोग हो गए उनको क्या क्या इलाज क्या क्या सुविधाएं रहेगी? देखिए कैंसर से लेकर कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियों का निदान किया जाएगा हनुमान जी के आशीर्वाद से, ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से, चमत्कार के द्वारा ही दवाई जो दी जाती है वो दवा दी जाएगी और 5 से 10 मिनट में हर मरीज को आराम दिया जाएगा। जो शिविर का आयोजन हो रहा है वो कहाँ होगा? जी यही अंजनी धाम आश्रम, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, ग्राम रजवाड़ा के गांव के निकल के आगे बिरारी बिरारी पुल के पास में। जैसे कि पिछली बार बताया गया था कि जो गरीब और असहाय व्यक्ति होता है तो उसको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, साथ ही आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ जो रुकते हैं, वैसे देखिए हमारे जो प्रचार वाला रजिस्ट्रेशन है वो उसमें लिखा होता है कि यदि कोई गरीब भक्त है कोई, तो वहाँ का विधायक या सरपंच लिख के दे दे कि बेसहारा गरीब है, तो उनके लाने देखो किराए की सुविधा है और भोजन की व्यवस्था है और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए महाराज जी का भी, महाराज जी खुद स्वयं बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो गरीब है, असहाय है, तो अपने कोई भी जनप्रतिनिधि या मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, तीनों चीज़ हो एक ही है, तो इनसे कोई लिखित में लाते हैं कि बाकी में अगर वो गरीब और असहाय है तो यहाँ पे महाराज जी उनको रहने की, खाने पीने की और आने जाने की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और साथ ही उनका जो भी उनकी पीड़ा होती है उनको ख़त्म करने का भी वो काम करते हैं और यहाँ पे जो उनका रोग होता है उसको भी यहाँ पे निदान करने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शिविर का भी महाराज जी यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 15, 16, 17 को यहाँ पे शिविर का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे माँ अंजनी लाल धाम आश्रम पर। एक भाई साहब और यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये झारखंड से आए हैं और ये बता रहे हैं कि इनको कौन गांठ कौन को हुई थी? गांठ सीना में। आपको? नहीं, पत्नी का। पत्नी को। तो आपका यहाँ पे कौन सा 5वां धाम है? जी। तो आराम मिला नहीं मिला? जी काफ़ी आराम मिला है। हाँ, हॉस्पिटल में इलाज कराया था इसके पहले? जी। कितने समय तक इलाज चला? 1.5 साल। 1.5 साल तक, तो वहाँ से आराम नहीं मिला? नहीं मिला। आप एक यहाँ पे आपको 5वां धाम यहाँ पे करने के बाद भी आराम है तब ना आ रहे हैं? अच्छा, तो ये भाई साहब झारखंड से हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी को गांठ हुई थी, जो कि इन्हें लगभग 1.5 साल तक इलाज कराया, वहाँ पे इनको आराम नहीं मिला है और यहाँ पे अंजनी लाल धाम आश्रम में ये यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे इनको काफ़ी आराम देखने को मिला है। आज इनका 5वां धाम है और ये खुद अब बता रहे हैं कि काफ़ी आराम मिला है, हमें आराम मिला है, इसलिए आज हम यहाँ पे 5वीं बार ये आए हैं। धाम तो 12-13 हो गया। अच्छा, तो 12-13 धाम ये बता रहे हैं, इनको काफ़ी आराम है। कितना परसेंट आराम है? परसेंट तो 100% आराम है। 100% में तो मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए? हाँ, दर्द आराम है, बिल्कुल ख़त्म, गांठ भर है। तो देखिए यहाँ पे जयकारे के यहाँ पे माता अंजनी के यहाँ पे जयकारे के नारे भी यहाँ पे लग रहे हैं और जयकारों से यहाँ पे जो है आश्रम है वो भी यहाँ पे गूंज उठता है। जब लोग के अंदर एक खुशी होती है, जब खुशी का माहौल होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हवन भी और होता है और यहाँ पे जो अपने ललितपुर के ही बताए जा रहे हैं तो उनको तो इस तरीके से उनको आराम मिला है कि और इतनी श्रद्धा उनमें देखने को मिली है कि उन्होंने यहाँ पे हवन भी करवाया और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना भी यहाँ पे करवाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं
वो कैसे यहाँ पे रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए यहाँ से जाते हैं, और यहाँ पे भंडारा भी लोग करवाते हैं अपनी खुशी से, यहाँ पे स्थापना भी करवाते हैं और हवन भी यहाँ पे लोग अपनी खुशी से करवाते हैं।